हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। इससे पहले के जो टॉपिक हैं हम उनको दूसरी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसमें परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल। परकुलेशन का मतलब क्या है? परकुलेशन मतलब जैसे बारिश होती है और जब बारिश कच्ची मिट्टी पे गिरती है तो वहां पर वो जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये इनफिल्ट्रेशन करना है, यानी कि पानी को कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी वो कोई सोयल, या कितना पानी रिस के अर्थ के अंदर चला जाएगा उसको परकुलेशन बोलते हैं। और परकुलेशन रेट का मतलब है कि वो कितनी जल्दी जा रहा है, तो इस रेट से पता लगेगा। अगर ज्यादा जल्दी जा रहा है तो परकुलेशन रेट हाई है, और अगर कम जा रहा है तो परकुलेशन रेट कम है उसका। तो अब यहां पर इन्होंने दिया है कि बूजो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच। तो उन्होंने दो स्क्वायर लिए हैं और दोनों की साइज जो है बराबर हैं। 50 सेंटीमीटर की साइड के दो स्क्वायर लिए हैं, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस, एक तो उन्होंने अपने घर के फ्लोर पर लिया हुआ, एंड द अदर ऑन द अनपेव्ड रोड, दूसरा लिया है अनपेव्ड रोड, ठीक है, जिसमें फर्श नहीं हो रखा है, इस तरह के उस पर लिया उसने। दे फिल्ड टू बोटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर, तो दो बोतल लेते हैं सेम साइज की और उनको पानी से भर लेते हैं। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स, तो वो पानी से खाली कर देते हैं उन बोटल्स को, वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स, सेम टाइम पर, ठीक है, दोनों स्क्वायर में वो वाटर बोटल खाली कर दी जाती है। एक स्क्वायर सपोज करो ये ले लिया कहीं पे, एक स्क्वायर उन्होंने ये ले लिया, तो वो वाटर बोटल वहां पर खाली कर देते हैं दोनों स्क्वायर्स। क्या ऑब्जर्व करते हैं वो? दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड, जब घर के फर्श पे जो उन्होंने लिया था वो वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि वहां पर फर्श है तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो वाटर जो है फैल जाएगा फ्लोर पे पूरे पे। उसके बाद जो कच्ची रोड थी या ऑन द अदर हैंड जो अनपेव्ड रोड थी, ठीक है, वहां पर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब, क्योंकि वहां बारीक बारीक पोर्स होते हैं सोयल में, तो उनमें से वाटर जो है वो अंदर चला जाता है। जो सोयल के, हमने सोयल प्रोफाइल में पढ़ा था कि सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके बीच में वाटर एडजस्ट हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर फ्लोर है, फर्श हो रहा है, तो वहां पर वो बारीक पोर्स नहीं होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, इसलिए वाटर वहां पर वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। बूजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दो स्क्वायर लिए थे अलग अलग सरफेस पे लिए थे तो उनमें जो एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है, उनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि फर्श पे तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, तो जो दूसरी सरफेस है जहां पर सोयल है, जहां कच्ची मिट्टी है, वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी। अब ये एक्टिविटी जो है 9.4 है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू थ्री टीम्स, तो तीन टीम में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो एबीसी में, और अलग अलग जगह पर जो है यू फिल द फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सोयल, आप अलग अलग सर्फेस ले सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे और आप पता कर सकते हैं कि सोयल में जो वाटर है वो कितनी जल्दी पास हो जाएगा, कितना फास्ट वो सोयल में अंदर चला जाएगा, यानी कि परकोलेशन रेट हम पता कर सकते हैं। तो यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप, तो या तो एक सिलेंडर ले लें या एक खाली पाइप जो भी बेकार वेस्ट पड़ा हुआ। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर, तो सेम डायमीटर के पाइप होने चाहिए। सम सजेशंस फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन, इफ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन, एक स्मॉल टीन कैन ले सकते हैं और उसका जो बॉटम है उसको निकाल दिया जाए तो वो भी पाइप की फॉर्म में बन जाएगा, इस तरह से दोनों तरफ से खाली हो जाएगा, तो ऊपर से पानी डाल सकते हैं उसमें, इस तरह कुछ हो जाएगा, तो ऊपर से इसमें पानी डाल सकते हैं और नीचे से ये पानी रिस के सोयल में जा सकता है, सोयल इसको एब्जॉर्ब कर ली। तो इस तरह के तीन वो लेने हैं, इनकी तीन टीम बनेगी इस तरह की, और इस तरह का सेम साइज के सिलेंडर तीन ले सकते हैं और उनको अलग अलग सरफेस पे हम जो है रख सकते हैं इस तरह से। तो ये आगे इसी के बारे में डिटेल दी हुई है। पीवीसी का पाइप भी ले सकते हैं आप, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम।
और डायमीटर अप्रोक्सीमेट जो है 5 सेंटीमीटर हो सकता है। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सोयल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में 2 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट जो है इसको दबा दिया जाता है। उसके बाद 200 ml पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। तो धीरे धीरे इसमें 200 ml पानी जो है उसको डाल दिया जाता है। फिर नोट करेंगे टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। तो जब भी उसमें पानी डालना शुरू किया है सब में तीनों में एक साथ डालेंगे और टाइम नोट करेंगे। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। जब सारा का सारा पानी नीचे इनफिल्ट्रेट हो जाएगा रिस जाएगा सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल उसको तो टाइम नोट करेंगे। फिर यह ना वाटर हैज परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी नोट द टाइम अगेन। एक बार तो डालते हुए टाइम नोट करेंगे और एक बार जब बिल्कुल पाइप खाली हो जाएगा तब नोट करेंगे। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन। तो पानी इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए उसमें से डालते वक्त, नहीं तो पानी वेस्ट जाएगा तो फिर सही क्वांटिटी का सही परकुलेशन रेट का पता नहीं लगेगा। तो रन डाउन ऑन द आउटसाइड द पाइप वाइल पोरिंग। तो कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म। तो अब हम परकुलेशन रेट का पता कर सकते हैं कि कितने मिलीलीटर पर मिनट पानी जो है वो परकुलेट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जितना हमने डाला है ठीक है मान लिया 200 ml हमने इसमें डाल दिया जो उन्होंने कहा है, और परकुलेशन टाइम तो कितने मिनट में वो सारा का सारा उसने नीचे अर्थ में अब्जॉर्ब हो गया है तो वो टाइम हम नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट। मान लिया सारा वाटर एब्जॉर्ब होने में 20 मिनट का टाइम लग जाता है फॉर 200 ml के लिए। तो जो रेट ऑफ परकुलेशन है 200 ml अपॉन 20 मिनट यानी कि 10 मिलीलीटर पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का हम परकुलेशन रेट पता कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सोयल सैंपल कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या दूसरी टीम्स हैं उनसे उसको कंपेयर किया जा सकता है तो इससे पता लग जाता है। अब उसको फिर इन्होंने कहा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट परकुलेशन तो उसको फिर अरेंज करो कि सबसे ज्यादा परकुलेशन रेट किस टाइप की सोयल में होता है। तो इससे पता लगेगा कि सोयल जो है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो करती है वाटर का किस टाइप की सोयल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मॉइस्चर इन सोयल। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। गर्मी के दिनों में ठीक है कभी फार्मलैंड के पास से आप कभी गुजरे हैं। इसमें ये बोला है पूछा गया परहैप्स शायद यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। तो अर्थ के ऊपर या उस जमीन के जो फार्मलैंड है उसके ऊपर की जो एयर होती है वो शिमरिंग करती है। शिमरिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई सरफेस है जहां पर क्रॉप्स लगी हुई है ठीक है फसल उगी हुई है कहीं पर तो उसमें क्या होता है गर्मी के दिनों में यहां से वाटर जो है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो वो इस तरह से जो है इवेपोरेशन होता है वाटर का। तो इस केस में हमें जो सरफेस दिखाई देती है यहाँ की जो ऊपर की जो सरफेस है तो उस समय हमें यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे ये चीजें हिल रही है। हम इसके दूसरी साइड में जो देखेंगे अगर कोई जो प्लांट्स खड़े हुए हैं वहां पर ऐसा लगता है जैसे वो भी इसके साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो यही शिमरिंग है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। तो आप कहीं पे फार्मलैंड पे जाके आप देखो इस चीज को गर्मी के दिनों में तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा जैसे दूर जब आप देखते हो या आप रोड पे भी हो जाता है कई बार ये आप गर्मी के दिनों में सड़क पे चल रहे होते हैं तो आप दूर देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सामने के प्लांट या ट्रीज जो है वो थोड़े थोड़े हिले ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये सरफेस मतलब अर्थ की जो सरफेस है उसके 2 या 3 मीटर तक ही ऐसा महसूस होता है उसके ऊपर महसूस नहीं होता। तो इसको शिमरिंग बोलते हैं इस तरह की। तो ऐसा क्यों होता है ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। एक्टिविटी अब 9.5 आ जाती है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ ए सोयल सैंपल इन इट। तो उसमें 2 जो है वो चम्मच भर के सोयल सैंपल ले लेते हैं जैसे ये इन्होंने जो है दिया हुआ है यहाँ पर एक ट्यूब और इसमें 2 स्पून सैंपल के ले लेते हैं सोयल के सैंपल ले लेते हैं 2 स्पून हीट करते हैं उसको हीट इट ऑन ए फ्लेम
अब उसको थोड़ा गर्म करते हैं एंड ऑब्जर्व इट, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। तो जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वाटर इन द सोयल इवेपोरेट्स, वाटर उसमें से इवेपोरेट होगा क्योंकि उसमें वाटर ड्रॉप्स होते कुछ ना कुछ, तो मूव वो वाटर ड्रॉप्स जो है या वो जो वाटर है वो हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होती है और वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है जब वो इवेपोरेशन होता है। उसके बाद एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, क्योंकि इसको जो गर्म किया जा रहा है वो यही सरफेस गर्म किया जा रहा है, तो जैसे ही यहां से जो सोयल में जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा तो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते ये ठंडा हो जाएगा, तो यहां पर आपको देखो ये ड्रॉप्स मिलेंगे। तो ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें से पानी ऐसे ऊपर उठेगा तो इसकी दीवारों से टच होके और वो कूल हो जाएगा तो वहां पर वाटर ड्रॉप्स मिलती हैं। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोयल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, तो गर्मी के दिनों में जो वेपर है अर्थ में से जब वो बाहर आती है ऐसे ऊपर वाटर वेपर तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और एयर अबव द सोयल सीम्स टू शिमर, तो यहां पर जो भी एयर होती है उसको ऐसा लगता है जैसे उसमें शिमरिंग हो रही है, ये तब महसूस होती है जैसे आप इसके बाद के जो पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं अगर उनको आप देखोगे वो हिलते हुए दिखाई देंगे, तो तब उसको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर इस तरह का कुछ चल रहा है। तो आफ्टर हीटिंग द सोयल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब कंपेयर इट विद द सोयल विच हैज नॉट बीन हीटेड, उस सोयल के साथ कंपेयर करते हैं जिसको हीट नहीं किया गया है, तो क्या डिफरेंस होगा उसमें, जिसको हीट नहीं किया गया है उसमें अभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और जिसको हीट किया गया है उसमें से वाटर वेपर निकल गई है तो अब वो ड्राई सॉइल बन जाएगी, ये उसमें डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल कि किस तरह से कौन सी सॉइल ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है और कौन सी सॉइल सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करती है।